चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की गति सीमा का सर्वे अंतिम चरण में। मोटर मार्ग की गति सीमा का सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रदेश के सभी जिलों में गति सीमा तय होगी। गति सीमा निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन होगा। तो कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की गति सीमा का अब सर्वे किया जाएगा। किस तरह से सर्वे होगा और इससे क्या कुछ आने वाले समय में फायदा होगा, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की अब गति सीमा का सर्वे होगा और अंतिम चरण में मोटर मार्ग की सीमाओं का सर्वे होगा, और किस तरह से सर्वे किया जाएगा और इससे क्या कुछ बदलाव आएंगे? देखिए स्मिता, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये देहरादून से कर्णप्रयाग वाला जो मोटर मार्ग है, जो एरिया है, इसमें तकरीबन ये 212 किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें सर्वे किया जा रहा है और लगभग ये अंतिम चरण में है। जो वाहनों की रफ्तार है उसकी एक सीमा तय करने का सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं और तमाम बड़े बड़े सड़क हादसों से संबंधित जो अपडेट होते हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। लिहाजा जो मोटर मार्ग अच्छी कंडीशन के हैं वहां पर, जैसे देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से श्रीनगर तक के जो मोटर मार्ग की स्थिति है, यहाँ पर जो वाहन है उनकी एक समय, उनकी एक सीमा होनी चाहिए और जो गति है इसको निर्धारण करने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो है वो अन्य जनपदों में भी, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों में, ताकि जो दिनों दिन सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है जिसमें जानमाल का भी नुकसान होता है, इसको न्यूनतम किया जा सके। एक तो इसका ये उद्देश्य है। दूसरा जो सर्वे है, सर्वे में व्यावहारिक और जो वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं पर सर्वे किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो है जब किसी भी वाहन की स्पीड जो है वो नियंत्रित होगी तो कम से कम सड़क हादसे होंगे और जो यातायात व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से चल सकेगी। तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है। अब ये देखना होगा कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो संबंधित विभाग हैं, पुलिस प्रशासन है, PWD है, लोक निर्माण विभाग के अलावा जो अन्य विभाग है, इसमें परिवहन विभाग है, इनकी जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जो इनका प्रशिक्षण होगा, उस प्रशिक्षण में आखिर किस तरह से एक रणनीति बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में जो है वो न सिर्फ इस वाले मोटर मार्ग देहरादून से कर्णप्रयाग वाले, बल्कि गढ़वाल के अन्य जनपदों में भी, चाहे वो टिहरी है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, या फिर कुमाऊं क्षेत्र की हम बात कर लें तो अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के जो मोटर मार्ग है वहां पर भी इसका अनुपालन कराया जा सकेगा। और कोशिश यही होगी कि कम से कम इसमें जानमाल का नुकसान हो, एक व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक का संचालन हो सके, और जब एक समय सीमा तय हो जाएगी तो ये माना जा रहा है कि इससे सड़क हादसों में गिरावट होती हुई सामने दिखेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।